डियर इंडियन आर्मी, वी आर विथ यू। हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग आपके साथ 65 में भी थे, हम लोग आपके साथ 71 में भी थे, हम लोग आपके साथ 99 में भी थे, और हम लोग आपके साथ आज भी हैं। जितना दुख आपको अपने भाइयों के शहीद होने का हुआ है, उतना ही दुख सारे हिंदुस्तानियों को हुआ है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि शहीदों के परिवारों पे क्या बीत रही होगी, पर मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हमें गर्व है आपके बेटे, आपके भाई, आपके पति और आपके पिता पे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने आपको आगे की रणनीति तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो और स्वरूप क्या हो, सभी फैसले लेने की इजाज़त दी है। अब जवाब देने की बारी आपकी है। इतिहास गवाह है कि इंडियन आर्मी ने कभी पहला वार किसी देश पे नहीं किया है, क्योंकि आप अच्छे लोग हो और इसी का फ़ायदा दुश्मन उठाती आई है। लेकिन इस बार आपको कुछ ऐसा करना होगा कि दुश्मन हिंदुस्तान पर हमला करने के पहले 100 बार सोचे। आपको अपने शहीद भाइयों का बदला लेना होगा। हाँ, हम सबको अमन और शांति चाहिए, पर उससे ज़्यादा हमें आपकी सुरक्षा की चिंता है, क्योंकि आप है तो हम हैं, आप है तो हिंदुस्तान है, और यही अमन और शांति का रास्ता अगर रणभूमि से गुजरता है तो भी हमें मंजूर है। कुछ दीमक जो देश के भीतर है, उनकी परवाह आप मत कीजिए, उन्हें हम संभाल लेंगे। आप बस बॉर्डर के इर्द गिर्द और बॉर्डर के उस पार के दीमकों को संभाल लो। वक्त आ गया है दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का, क्योंकि अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। हम सिविलियंस नहीं जानते आपने क्या करना चाहिए, पर आप जो भी फैसला लोगे हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। जय हिंद, जय जवान।